बाजार में बहुत सारे शेयर्स ऐसे होते हैं जिनका हमें जब पता लगता है, जब उनमें बहुत बड़ी तेजी बन जाती है, फिर हमें पता लगता है कि ये छोटी कंपनी भी लगातार उभर रही है और यहाँ पर इतने रिटर्न निवेशकों को बना करके दे चुकी है। तो ऐसी कंपनीज जो धीरे धीरे यहाँ पर ग्रोथ फॉर्मेट में रिटर्न तो बना करके दे रही है, लेकिन अभी हाईलाइट नहीं हुई हैं, ये ऐसी कंपनीज हैं जो कंसिस्टेंट यहाँ पर आपको पैसा बना करके देने में सक्षम रहेंगी। ये इस प्रकार की कंपनीज आपको दिखाई देती हैं जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन यही कंपनीज अगर आप अगले 3 से 4 वर्षों बाद देखोगे, या हो सकता है कोई कंपनीज 2 वर्षों बाद भी आपको यहाँ पर 5 गुना 6 गुना इस तरीके का पैसा बना करके दे, तो आप यहाँ पर बिल्कुल अपने पोर्टफोलियो में मल्टीबैगर रिटर्न्स प्राप्त कर पाएंगे। आज इस वीडियो में इन 5ों कंपनीज का डिटेल्ड एनालिसिस करने वाले हैं। ये ऐसी कंपनीज हैं जिनको आपने अगर अपने पोर्टफोलियो में रख लिया, या पहले से भी अगर आपका इन स्टॉक्स पर फोकस है, तो ये स्टॉक आपको पॉलीकैब इंडिया के तरीके के रिटर्न बना करके दे सकते हैं, जिस प्रकार से एस्ट्रल लिमिटेड ने लगातार रिटर्न्स बना करके दिए, जिस प्रकार से एपीएल अपोलो ट्यूब्स ने आपको रिटर्न बना करके दिए, तो वही सेम कंसिस्टेंसी आपको इन ही स्टॉक्स में दिखाई देगी। और आम तौर पर अगर आप थोड़ी सी लंबी अवधि का निवेश इन स्टॉक्स में रख पाते हैं, तो ये हर साल आपका पैसा दुगना करने में सक्षम रहते हैं। तो यहाँ पर चलिए इन स्टॉक्स की शुरुआत करेंगे और यहाँ पर एक एक स्टॉक के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। लिस्ट की सबसे पहली कंपनी है हाईटेक पाइप्स लिमिटेड। अब इसमें एक बड़ा ही अनूठा संगम आपको देखने को मिलेगा, और ऐसी चीज़ें अगर आपको भी आगे कहीं दिखाई दें तो ये मल्टीबैगर स्टॉक को पहचानने का एक बड़ा स्मूथ तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए, यहाँ पर ये स्टॉक आपको 82 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 1077 रुपये, 1077 करोड़ रुपए के आसपास की, लगभग 1000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन पर कंपनी ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर अगर कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर वाइज देखने की आप कोशिश करोगे तो 2386 करोड़ की सेल्स हैं, तो ये अपनी ओवरऑल सेल्स से भी कम ट्रेड कर रही है। अब इसी की बजाय यहाँ पर आपको कंपनी की सेल्स दिखाई दी लगभग 2400-2500 करोड़ की, इसी के बजाय आप एक और कंपनी उठा करके देखिए। यहाँ पर हम वीनस पाइप्स को उठा करके देखते हैं, यहाँ वीनस पाइप्स का मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना है, लगभग 2500 करोड़ के आसपास का। अब इसकी सेल्स देखते हैं कितनी है, यहाँ पर अगर आप इसकी सेल्स देखेंगे तो आप कहेंगे यार 6-7 हज़ार करोड़ तो होनी ही चाहिए, यहाँ मात्र आपको 500 करोड़ की सेल्स दिखाई देगी। अब ये क्या कारण है कि ये 500 करोड़ की सेल्स वाली कंपनी 2500 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशन पर खड़ी है, और वो 2500 या 2700 करोड़ की सेल कर रही है लेकिन मार्केट वैल्यूएशन यहाँ पर 1000 करोड़ की है, इसका कारण क्या है, मैं आपको कारण बताता हूँ। देखिए, ये कंपनी ऐसी है 7% के मार्जिन से बढ़ा करके लगभग 13% के मार्जिन पर चली गई है, लेकिन वीजा वीज हम हाईटेक पाइप्स की अगर बात करेंगे, कंपनी का जो ओवरऑल यहाँ पर मार्जिन है वो 6 से 7%, 5 से 6% का ही है। अब यहाँ पर मार्केट को ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी अपने अच्छे मार्जिन्स ना ले पाने के कारण अपने प्रॉफिट्स को सीमित रख रही हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है स्टॉक में बहुत ज़्यादा बढ़त देखी नहीं गई। लेकिन आम तौर पर क्या होता है, मैंने मल्टीपल टाइम ये जो है फॉर्मूला बहुत सारी कंपनीज़ पर अप्लाई किया है, ख़ास तौर पर ऐसी कंपनीज़ पर जिनके प्रॉफिट्स भी ग्रो हो रहे हैं, सेल्स भी ग्रो हो रही है और बड़े धुआंधार तरीके से ग्रो हो रही है। तो यहाँ पर जब भी कोई कंपनी में एक्सपेंशन बड़ी तेज़ी से होता है, अगर आप यहाँ पर इसका एक्सपेंशन डेटा देखोगे तो फिक्स्ड एसेट्स 55 करोड़ के थे, 81 करोड़ के हो गए, लगभग यहाँ पर जो है 50% का या 60 लगभग 80% का इजाफा रहा, फिर 80% से बढ़कर के 124 हो गए, फिर 170 हो गए, फिर 73 हो गए, फिर 202 करोड़ हो गए, 240 हो गए, 287 करोड़ हो गए, और इनफैक्ट यहाँ पर कुछ पैसा CWIB में भी पड़ा है। तो जब कंपनी अपना हाईटेक तरीके से एक्सपेंशन करती है और बड़ी तेज़ी से एक्सपेंशन करती हुई नज़र आती है, तो ऐसे में कंपनी को लगभग एक्सपेंशन के दौरान यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल लॉसेस झेलने पड़ते हैं, कुछ एक्सपेंशन के भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं, कुछ ऐसे लॉसेस या कुछ ऐसे प्रक्रिया उस दौरान होती है जो कि कंपनी को मार्जिन बढ़ाने नहीं देती है, क्योंकि
हाईटेक पाइप्स का पूरा पूरा फोकस अपने एक्सपेंशन पर ही है, पूरा पूरा फोकस अपनी सेल्स बढ़ाने पे है, पूरा पूरा फोकस यहाँ पर ओवरऑल नए से नए डिस्ट्रीब्यूशंस, नए से नए जो है प्रोजेक्ट्स को कैप्चर करने में है। तो ये कंपनी अभी मार्जिन्स पर फोकस नहीं कर रही है, लेकिन जैसे ही ये कंपनी एक स्केलेबल लेवल पर अपने मार्जिन्स या फिर स्केलेबल लेवल पर अपनी सेल्स को पहुँचा देगी और उसी तरीके से अपने फिक्स एसेट्स की कैपेसिटी पर पहुँच जाएगी, तो ये कंपनी अपने जो मार्जिन्स है 4-5% या 6% के मार्जिन को 12-14% पहुंचाने में सिर्फ और सिर्फ 2 वर्ष का समय लेगी। एक बार कंपनी का फोकस अगर अपने मार्जिन्स या प्रॉफिट्स पर आ जाए, कंपनी 12-14% के प्रॉफिट्स कमाने में या प्रॉफिट्स 12-14% के मार्जिन लाने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लेती है। तो ओवरऑल जो स्टॉक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, अगर वीनस पाइप्स के अकॉर्डिंग ही नापा जाए तो 500 करोड़ की सेल्स है, 2500 पर ट्रेड कर रहा है। इसकी 2500 करोड़ की सेल्स है तो ये 12,500 करोड़ पर ट्रेड करना चाहिए। ये यहाँ पर जो हाईटेक पाइप्स का स्टॉक है, इंस्टेंट बेसिस पर कभी भी ये चीज़ें हो सकती है, कभी भी ये बम फट सकता है, कभी भी ये 82 रुपये का स्टॉक आपको लगभग 400-450 रुपये तक जाता हुआ नज़र आएगा, कभी भी ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ का होता हुआ नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर ओवरऑल जस्ट एक यही सिनेरियो के कारण स्टॉक अभी इतना बढ़िया मार्केट कैपिटलाइजेशन या अपनी ओवरऑल वैल्यूएशन को कैप्चर करने में असमर्थ रहा है। लेकिन ये चीज़ें यहाँ नहीं रुकती हैं, जब कंपनी में धुआंधार तरीके की सेल्स आ रही हो, हर वर्ष आ रही हो, धुआंधार तरीके के प्रॉफिट्स भी आ रहे हो, कंपनी धुआंधार तरीके के रिटर्न्स भी बना करके दे रही हो, तो ओवरऑल जैसे ही एक बार मार्जिन्स इनके फेवर में आएंगे, ये कंपनी इतनी तेज़ी से ऊपर जाएगी जिसका अंदाज़ा लगाना अभी बहुत मुश्किल है। तो ओवरऑल ये एक बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो मुझको दिखाई देता है। ये एक ऐसी कंपनी है जो डेट का रिपेमेंट करना भी जानती है। अभी 393 करोड़ की बोरोइंग्स थी, जिसको घटा करके 235 करोड़ किया, रिजर्व्स इनके हाईएस्ट एवर चले गए, फिक्स्ड एसेट्स भी हाईएस्ट एवर हैं, और यहाँ पर जैसे ही कमाई करनी कंपनी ने शुरू की, ओवरऑल यहाँ पर डेट की रिपेमेंट शुरू कर दी। और जैसे जैसे डेट की रिपेमेंट शुरू हो चुकी है, तो ओवरऑल कल को कंपनी अपने डेट का भार भी कम करेगी, जिससे यहाँ पर जो ये ईयर दर ईयर जो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं 30-35 करोड़ रुपए जो इंटरेस्ट जा रहा है, कल को ये भी कंपनी के घर में ही बचता हुआ नज़र आएगा। सो ओवरऑल ये चीज़ें जब यहाँ पर आएंगी, फॉर एग्जांपल आप अभी मान लीजिए कि कंपनी जीरो डेट हो जाए, तो ये 35 करोड़ के यहाँ पर जो है 70-80 करोड़ क्या नहीं होंगे, ये इजीली होंगे। और जब 70-100 करोड़ के प्रॉफिट्स जाएंगे, 70-100 करोड़ के प्रॉफिट्स में कंपनी अगर मान लीजिए 25 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर भी ट्रेड कर रही है, या ओवरऑल 25 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर नहीं, ओवरऑल ये कंपनी जो है 45-50 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर भी ट्रेड करती हैं, वीनस पाइप से और कोई कंपनी इस ही प्राइस टू अर्निंग रेशियो पर ट्रेड कर रही हैं, तो यहाँ पर सीधा सीधा ये मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ के निकल करके आती है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसके ओवरऑल यहाँ पर कंपनी के 150 से ज़्यादा OEM कस्टमर्स बन चुके हैं, यहाँ पर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 5.8 मेट्रिक टन पर एनम से ऊपर जा चुकी है, 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 450 से ज़्यादा डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कंपनी के पास है, 365 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्टर्स बिल्डर्स कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, 40 से ज़्यादा सालों का एक्सपीरियंस है, 17 से ज़्यादा स्टेट्स में एक्सपेंशन चालू है। कंपनी के ब्रांड्स की बात की जाए, GI पाइप्स कंपनी के पास है, MSGI पाइप कंपनी के पास है, यहाँ पर हाईटेक जल शक्ति के नाम से इनकी पाइप्स आती हैं, केसवेल के नाम से इनकी पाइप्स आती हैं, यहाँ पर GP कोयल ये बनाते हैं, GC शीट ये बनाते हैं, CRFH, HROP यहाँ पर ये जो है बेसिकली मेटेलिक शीट्स का टाइप होगा, ये चीज़ें कंपनी बनाती हुई नज़र आएगी। यहाँ पर DP शीट्स कंपनी बनाती है, CRCA शीट्स कंपनी बनाती है, ओवरऑल यहाँ पर इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम कंपनी अपना है, बेस्ट ड्यूरेबल क्वालिटी की मटेरियल ही कंपनी यूज़ करते हैं, जो आगे बढ़कर के कस्टमर को बढ़िया एक्सपीरियंस करवाती है, और इनके बहुत सारे कस्टमर्स यहाँ पर रिपीटेड हैं, 90 से ज़्यादा कस्टमर्स यहाँ पर रिपीटेड सेल्स रिपीट कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर अगर क्वालिटी है तभी तो रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं, अगर नहीं होती तो फिर रिपीट ऑर्डर नहीं आते हैं। अगर इनके चैनल पार्टनर्स काफ़ी अच्छे हैं, अगर
कंपनी के कुछ क्लाइंटेल की बात की जाए तो सारे बड़े बड़े नाम यहाँ पर दिखाई देंगे, इसमें एक भी आपको छोटा नाम नहीं दिखाई देता है, सारे बड़े बड़े नाम कंपनी की क्लाइंटेल में शामिल हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी सब्सक्राइबर्स का सक्सेसफुली 2 बैच कंप्लीट करवाने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। काफ़ी दिनों से क्वेरीज आ रही थी कि सर लिंक काम नहीं कर रहा है, लिंक चालू नहीं है। सो ओवरऑल वहाँ पर जो एनरोलमेंट थी वो फुल हो चुकी थी। फर्दर अभी जो एनरोलमेंट ली जा रही हैं वो 3rd बैच के लिए ली जा रही हैं। यहाँ पर अभी आप जो है एनरोलमेंट्स लेते हुए नज़र आ सकते हैं। फर्दर एनरोलमेंट्स ओपन हो चुकी हैं। बिल्कुल यहाँ पर एक एक पॉइंट का बकायदा ध्यान रखा गया है। कुछ सब्सक्राइबर्स के, कुछ यहाँ पर इन्वेस्टर्स के रिव्यूज़ को कंसीडर करके कुछ और बेहतरीन चीज़ों को इंक्लूड कोर्स में किया गया है। और फर्दर ये सारी चीज़ों का एक्सेस आपको मात्र सेम प्राइस, जो कि नॉन प्रॉफिटेबल प्राइस एक तरीके से दिखाई देता है, ये एक ऐसा प्राइस है जिसमें जो मेरी कोलैबोरेशन है अन अकेडमी के साथ वो यहाँ पर रंग लाती हुई नज़र आएगी आने वाले समय में, अगर ये कोर्स इसी प्रकार से रिस्पॉन्स दिखाता है या इसी प्रकार से आप लोगों का प्यार मिलता रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर ना ही कंजूसी करने की ज़रूरत है, ना ही ये सोचने की ज़रूरत है कि 1500 रुपये हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं हमें कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ऐसा निवेशक जिसको बाज़ार के बारे में बहुत कुछ नहीं पता, उसके लिए भी ये कोर्स काफ़ी सूटेबल है। और ऐसे निवेशक जिनको फंडामेंटल एनालिसिस की तो समझ है, कुछ ही पॉइंट्स में दिक्कत है, वो पॉइंट्स तो क्लियर होंगे ही होंगे, लेकिन जो इस स्ट्रेटजी के अंदर या ओवरऑल इस कोर्स के अंदर टेक्निकल पैटर्न आपको मिलेगा या जो टेक्निकल सेटअप मैंने इस जो है कोर्स में सिखाने की कोशिश की है वो अनबीटेबल टेक्निकल सेटअप है। वो आप एक बार सीख गए, मेरे अकॉर्डिंग एग्जैक्ट बाइंग लेवल भी आपको चार्ट पर दिखाई देने लगेगा, एग्जैक्ट सेलिंग लेवल भी आपको दिखाई देने लगेगा, और किस तरीके से अपने ओवरऑल पूंजी पर कंपाउंडिंग की शुरुआत करनी है वो यहाँ पर आपको स्पष्ट तौर से दिखाई देगी। सो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करें और जो है सीट्स फिलअप होने से पहले अपनी एनरोलमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लें। काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से आगे बढ़ती हुई आपको भविष्य में दिखाई देगी। इसी की जो है जैसी एक और कंपनी है हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, ये कंपनी भी 1500 के आसपास के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ट्रेड कर रही है। 34 का प्राइस टू अर्निंग रेशो है। ओवरऑल यहाँ पर लगभग सेम ही जो है सिनेरियो के साथ काम करते हैं, बट यहाँ पर जो हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स हैं वो थोड़े से हाई मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पर जो है कोयल से रिलेटेड इनका ज़्यादा बिजनेस है, जिसमें यहाँ पर बिलेट्स, पाइप्स, ट्यूब्स, HR रोल्ड कोयल्स ये कंपनी बनाती है, और ये इस प्रकार की वैरायटीज़ को यहाँ पर केटर करती है जिनमें थोड़े से हाई मार्जिन पर जो है भविष्य में काम किया जा सकता है। तो यहाँ पर 1500 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन चली गई है। कंपनी की लास्ट जो प्रॉफिट ग्रोथ की CAGR है 48.2% की रही है पिछले 5 वर्षों से, तो ये अपने आप में एक ज़बरदस्त तरीके की बात है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो मात्र 87 करोड़ की सेल्स आज 644 करोड़ पर जा पहुँची है, और यहाँ पर लगभग इनके 2 करोड़ के प्रॉफिट 46 करोड़ पर जा पहुँचे हैं। लगभग कंपनी एक बढ़िया 44% की सेल्स ग्रोथ की CAGR कम नहीं होती है, ये ज़बरदस्त तरीके की CAGR है। और यहाँ पर लास्ट 5 ईयर्स से कंपनी ने अच्छी CAGR के साथ प्रॉफिट ग्रोथ दी है, और पिछले 1 वर्षों में लगभग इन्वेस्टर्स का पैसा दुगना कर दिया है। तो यहाँ पर हरिओम पाइप इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक भी आपको भविष्य में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न बना करके देगा। और ये कमाल की बात है कि कंपनी अभी जो है मात्र 1500 के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर ही अवेलेबल है, बहुत छोटे प्रॉफिट से शुरुआत कर रही हैं, लेकिन यही प्रॉफिट्स जैसे जैसे कंपनीज़ के बिजनेस आगे बढ़ेंगे आपको और ज़्यादा बढ़ते क्रम में नज़र आएंगे। तीसरा शेयर इस लिस्ट में है सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड। अब सिरका पेंट्स क्या है, सबसे पहले मैं आपको बात बता दूँ, ये इटालियन कंपनी है, इंडिया की कंपनी नहीं है, और यहाँ पर जो है वर्ल्ड लेवल के स्टैंडर्ड को पूरा करने वाली कंपनी यहाँ पर सिरका पेंट्स दिखाई देती है। सिरका पेंट्स में 2 बातें आपको फोकस में रखनी है, जैसे जैसे कंपनी की इंडिया में प्रेजेंस बढ़ी और जैसे जैसे यहाँ पर कंपनी ओवरऑल इंडिया में अपने जो है डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर्स को बढ़ाती जा रही है, वैसे वैसे उसका स्पष्ट तौर पर यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी में भी उदाहरण दिखाई दे रहा है। शुरू में ऐसी कंपनीज होती हैं जो स्टार्टिंग में लॉस यहाँ पर जो है बुक करके या फिर ओवरऑल जो है कम मार्जिन पे सेल करके अपना जो है ओवरऑल सिनेरियो बनाती है, लेकिन सिरका पेंट्स एक ऐसी कंपनी है जो लगातार विस्तारवादी सोच के कारण यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से अपना
एक्सपेंशन भी कर पा रही है, लगातार अपने डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स को बढ़ा पा रही है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स में कंपनी जो है मार्केट लीडर दिखाई देती है। खास तौर पर वुड कोटिंग्स में यहाँ पर सिरका पेंट्स का कोई बराबरी नहीं है, ये मार्केट लीडर कंपनी है। 264 करोड़ की फिलहाल सेल्स है और उसको ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिटेबल कंपनी ने बनाया है। तो यहाँ पर कंपनी के रोबस्ट फाइनेंशियल्स का ये स्पष्ट उदाहरण हमको दिखाई दे रहा है। और अगर ये कंपनी इसी चाल से चलती है तो कंपनी आगे लगभग लगभग डेवलप ही होनी है। अगर आप कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, सिरका पेंट्स की वेबसाइट मैंने ओपन की है, सो ओवरऑल यहाँ पर आपको इनके वैरायटीज़ भी दिखाई देगी। सबसे पहले यू आर इटालियन ऑटोग्राफ, सो बेसिकली स्टार्टिंग में पता लग गया है इटालियन बेस्ड कंपनी है, वुड कोटिंग्स में मार्केट लीडर है। यहाँ पर कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाई देंगे जो कि काफ़ी क्वालिटी के मालूम पड़ते हैं। और अभी अगर आप मौजूदा सिनेरियो पर कंपनी की प्रेजेंस देखने की कोशिश करेंगे तो इंडिया में बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर जो है जिस लेवल पर कंपनी आगे भविष्य में फैल सकती है वो लगभग लगभग यहाँ से 10x का स्कोप है। ये कंपनी का लगभग यहाँ से 15 से 20 गुना तक का भी स्कोप दिखाई देता है। अभी ये सिर्फ मेजर सिटीज़ में प्रेजेंट है, यहाँ पर इंदौर में, नेपाल में, सिलीगुड़ी, कोलकाता, बांग्लादेश में भी इनके ऑफिस हैं, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो चेन्नई, यहाँ पर ओवरऑल इस तरीके के ही बड़ी बड़ी सिटीज़ में अभी बहुत एक्सपेंशन बाकी है। अगर कंपनी की बात की जाए तो मात्र 486 लोगों की टीम ही कंपनी के साथ जुड़ी है। धीरे धीरे जैसे कंपनी यहाँ पर और बढ़ेगी, धीरे धीरे जैसे कंपनी की डिमांड आने लगेगी वहाँ पर स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, डीलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बढ़ेंगे, यहाँ पर जो है इनके OEM क्लाइंट्स भी लगातार बढ़ेंगे और कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ भी बढ़ेगी, कंपनी के जो डिपो हैं वो भी लगातार बढ़ेंगे। और भविष्य में जैसे जैसे कंपनी एक्सपेंशन करेगी एक बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पर इंडिया में दिखाई देता है। और कमाल की बात यह है कि कंपनी लगातार एक्सपेंड कर रही है, लगातार कंपनी जो है सेल्स भी लेकर के आ रही है, प्रॉफिट्स भी लेकर के आ रही है और CAGR भी लेकर के आ रही है। इससे लगभग जो है 10-10 गुना साइज़ में बड़ी कंपनीज यहाँ पर प्रॉफिट्स लाने में, सेल्स लाने में असक्षम महसूस कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर ये छोटी कंपनीज़ कमाल की गति से आगे बढ़ती हुई आपको दिखाई देंगी। तो ये अभी जो है मात्र 2000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है, कल को अगर यहाँ से जो है 20,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन या 25,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन पर भी पहुँचती है तो भी आप यहाँ से एक भारी भरकम वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। और कंपनी का एक बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड है, कंपनी जो है वर्ल्ड लीडिंग के स्टैंडर्ड्स पर बरकरार है और यहाँ पर काफ़ी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें लीडिंग मार्केट जो है प्लेयर यहाँ पर सिरका पेंट्स का दिखाई देगा। इटली में भी एक सिरका पेंट्स जो है मेजर प्लेयर है और जैसे जैसे और वर्ल्ड्स में एक्सपेंशन हो रहा है और सिटीज़ में एक्सपेंशन हो रहा है तो वहाँ पर अलग से एक लिस्टेड एंटिटी के रूप में कामकाज करती हुई आपको नज़र आएगी। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि सिरका पेंट्स मात्र और मात्र 2000 करोड़ की ही कंपनी है, नहीं, सिरका पेंट्स इंडिया लिमिटेड मात्र 2000 करोड़ की कंपनी है और ये सिर्फ इंडिया का ही बिजनेस यहाँ पर ओवरऑल इस बैलेंस शीट में दिखाई देगा। अगर आप वर्ल्ड लेवल पर बात करोगे तो ये बहुत बड़ी हाई लेवल क्वालिटी की कंपनी आपको दिखाई देगी। अगला शेयर इस लिस्ट में है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड। अब यहाँ पर जो है ये एक तरीके की नई टेक्नोलॉजी है। नई टेक्नोलॉजी किस तरीके से है, ओवरऑल अगर आपने जो है इंस्टाग्राम पर या फिर और भी जो है हो सकता है यूट्यूब पर अगर आपने वीडियो देखी हो तो यहाँ पर फ़ौरन में जो है ब्लॉक्स, बड़े बड़े ब्लॉक्स के द्वारा कंस्ट्रक्शंस की जाती है जिससे कंस्ट्रक्शंस करना काफ़ी ईजी होता है, पॉकेट फ्रेंडली होता है, ओवरऑल यहाँ पर मजबूती भी होती है और वो ब्लॉक एक के बाद फिक्स होता चला जाता है। अगर आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ये प्रोडक्ट्स देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये चीज़ें दिखाई भी देंगी कि किस तरीके के जो है ब्लॉक से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती हुई नज़र आ रही है। तो ये ओवरऑल विदेशों में तो यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से यूज़ हो रही है ये टेक्नोलॉजी, लेकिन अभी इंडिया में धीरे धीरे ये कंपनी जो है या ओवरऑल इस तरीके के प्रोडक्ट्स धरपकड़ करते हुए नज़र आएंगे। तो ये काफ़ी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं, क्वालिटी और एक्सीलेंस काफ़ी इनकी ज़्यादा होती है, ड्यूरेबिलिटी इनकी ज़्यादा होती है और भविष्य है ये जो ब्लॉक्स की कंस्ट्रक्शन है वो आने वाले समय में भविष्य है। अभी से ही काफ़ी बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्टर्स हैं वो इसका यूज़ करने लगे हैं। यहाँ पर 1500 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स ये कंप्लीट कर चुके हैं, 5 साल से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस हो चुका है, 984 के आसपास क्लाइंट्स हैं, लगभग ये सारे ही बड़े क्लाइंट्स आपको दिखाई देंगे और 350 प्रोफेशनल्स कंपनी के साथ जुड़े हैं। यहाँ पर जो है लोदा ग्रुप के साथ ये कामकाज करते हुए नज़र आएंगे, लोटस ग्रुप के साथ ये काम कर चुके हैं
ओवरऑल इनकी क्लाइंटेल अगर मैं आपको और आगे दिखाने की कोशिश करूं, सो यहाँ पर लोटस ग्रुप है, स्वराज ग्रुप है, लासन एंड टुब्रो टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, अग्रवाल ग्रुप है, इस तरीके के क्लाइंटेल कंपनी के आपको दिखाई देंगे। अभी जो ये छोटी कंपनी है 1095 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर खड़ी है, मात्र 150 का भाव आपको दिखाई देगा, 36 का प्राइस टू अर्निंग रेशो है, पेग रेशो अवेलेबल नहीं है, कंपनी का पित्रोस्की स्कोर 6 के आसपास है, नंबर ऑफ शेयर्स की क्वांटिटी आपको 7 करोड़ के आसपास दिखाई देगी, कभी 4 रुपये का शेयर भी जो है कंपनी अपने समय में होता होगा और यहाँ पर अभी 154 रुपये का शेयर दिखाई देता है। किस प्रकार की परफॉर्मेंस कंपनी की रही है अगर ये हम देखने की कोशिश करें तो क्वार्टर दर क्वार्टर सेल्स इंक्रीज हुई है, ईयर दर ईयर भी सेल्स में इंक्रीमेंट देखा गया है। 100 करोड़ की सेल्स थी 2019 में, अभी 200 करोड़ की सेल्स पहुंच गई है। बीच में जो है कोरोना पेंडेमिक जैसी बैड सिचुएशन भी कंपनी फेस कर चुकी है, लेकिन कुछ ऑर्डर्स कंपनी के पास पहले से ही होंगे, तो यहाँ पर कंपनी ने अच्छी सेल्स वहाँ पर भी दर्ज की है। कंपनी की कमाल की बात यह है कि मार्जिन्स बहुत बढ़िया तरीके के ले पा रही है, अभी करंट सिनेरियो में 25% के मार्जिन्स कंपनी ने बैलेंस शीट में दिखाए हैं और लगभग यहाँ पर मात्र 1-2 करोड़ के प्रॉफिट से 30 करोड़ के प्रॉफिट्स पर पहुँच गई है। एक बढ़िया जो है ओवरऑल सिनेरियो दिखाई दे रहा है, बढ़िया सेल्स ग्रोथ कंपनी की है डबल डिजिट में, लास्ट 3 ईयर से 131% की प्रॉफिट ग्रोथ को मैनेज किया है, आगे जो है अगर 30% या 35% की प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी कंटिन्यू रखती है तो यहाँ पर कंपनी जो है लगातार आपको बढ़िया रिटर्न्स बना करके दे सकती है। तो ऐसे में कंपनी के प्रोडक्ट्स से एक बार आप गो थ्रू कीजिएगा, कंपनी के प्रोडक्ट्स को स्टडी कीजिएगा, बाहरी देशों में किस प्रकार से ब्लॉक कंस्ट्रक्शन होती है उसकी वीडियोस को यूट्यूब पर वॉच कीजिएगा, उसके बाद आपको शायद इस टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ पता लगे। और फर्दर अगर आप ऐसा मानते हैं कि ये भविष्य है तो उससे जुड़ी एक बहुत ही छोटे साइज़ की कंपनी मैंने आज आप लोगों के सामने रखी, उस पर भी जो है आप अपनी स्टडी रखते हुए नज़र आ सकते हैं। अगला शेयर इस लिस्ट में है ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव्स लिमिटेड। अब ओवरऑल एडहेसिव सेगमेंट्स में और रेजिन सेगमेंट्स में कुछ ऐसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स कंपनी बना चुकी है जिनकी लगातार यहाँ पर डिमांड बढ़ते क्रम में नज़र आ रही है, जिससे मुझे यह स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है कि ज्योति रेजिन्स आने वाले कुछ सालों में एक बहुत बड़ा प्लेयर बनने वाला है। ज्योति रेजिन्स का जो स्टॉक है आने वाले समय में एक बहुत बढ़िया और क्वालिटी का स्टॉक बनकर के उभरेगा और केमिकल सेक्टर के टॉप स्टॉक्स में या केमिकल सेक्टर के टॉप क्वालिटी स्टॉक्स में इसकी गिनती होगी, क्योंकि यार कंपनी के आरओसी के नंबर 72% तक है और इस तरीके के नंबर्स बिना ब्रांड क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाए जा ही नहीं सकते। ओवरऑल अगर आप जो है सिंपल बल्क में डील करते हुए नजर आएंगे, आप मैक्सिमम आरओसी के नंबर 30 के आसपास या 35 के आसपास लेकर के आ सकते हैं, लेकिन उसी के साथ अगर आज जो है आप अपना ब्रांड बना करके बेचना शुरू करोगे उस पर आप जो है कैपिटल एम पर भी हाई मार्जिन्स आप लोग कमा सकते हो और ओवरऑल जैसे जैसे ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी आपका ओवरऑल बिजनेस आगे डेवलप होता हुआ नज़र आएगा। तो यहाँ पर कंपनी के इस साल के नतीजे भी आ चुके हैं, इस क्वार्टर के नतीजे भी आ चुके हैं, 61 करोड़ की सेल्स यहाँ पर दर्ज की गई, 34% के जिस तरीके के मार्जिन आपको अभी देखने को मिल रहे हैं, तो ये हाई मार्जिन के कारण हाईएस्ट एवर प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी बना पा रही है और इनके मार्जिन मात्र 3-4% से बढ़कर के अभी जो है 23-27% पर जा पहुंचे हैं। तो ये सारी चीज़ें लगातार इसी दृष्टि से आगे बढ़ेंगी और कंपनी जैसा रिटर्न बना करके देती आई है वैसा ही रिटर्न आपको आगे भी बनता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि पहले कंपनी छोटे साइज़ की थी और उस समय इस प्रकार की जब परफॉर्मेंस कंपनी ने दे दी तो अब तो कंपनी फिर भी एक रिकॉग्नाइज करने वाली वैल्यूएशन पर जा पहुंची है, रिकॉग्नाइज करने वाली सेल्स पर जा पहुंची है। तो ओवरऑल अब यहां से चलना उतना मुश्किल नहीं है जितना कि कंपनी को यहां पर 10 साल पहले चलना मुश्किल हुआ होगा। तो जो स्ट्रगल का फेस था, स्ट्रगल का पीरियड था, कंपनी को अपना ब्रांड बनाना था, कंपनी को अपना प्रोडक्ट इनोवेट करना था, ओवरऑल बहुत सारी जो स्टार्टिंग फेज की दिक्कतें हैं वो कंपनी फेस कर चुकी है, अभी ब्रांड बन चुका है। तो यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ धंधा एक्सपेंड करना है, सिर्फ और सिर्फ धंधा आगे बढ़ाना है और यहाँ पर ये सारी चीज़ें ज्योति रेजिन्स एंड एडहेसिव्स की मैनेजमेंट काफ़ी शानदार तरीके से हैंडल कर पाएगी। तो जो ये 5 स्टॉक बताए हैं अभी फ़िलहाल बहुत छोटे मार्केट कैपिटलाइजेशन पर हैं, लेकिन आगामी वर्षों में यही कंपनीज आपको बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट करती हुई नज़र आएंगी, यही कंपनीज हो सकता है शायद 10,000 के 15,000 के 18,000 के मार्केट कैपिटलाइजेशन पर भी बिल्कुल ट्रेड करती हुई आप लोगों को दिखाई दे। तो यहाँ पर अभी से अगर इनकी स्टडी करके चलोगे तो भविष्य में रिटर्न कमाना और ज़्यादा आपको ईजी लगेगा और एक बार इन कंपनीज़ में आप ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल रिटर्न कमा पाए फिर यहाँ पर रिस्क उसी रेशो में रिड्यूस भी होता चला जाएगा।